नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इसी साल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा बक्सर हैदरिया फोरलेन। अब बाढ़ के खतरे के बीच भी लोगों को मिलेगा पीने का शुद्ध पानी। मॉनसून के मजे से पहले बिहार वासियों को झेलना पड़ रहा है कोसी का कहर। राज्य के 5000 से अधिक लेटर बॉक्स डाले गए कबाड़ में। मुख्यमंत्री ने लगाया जून महीने का पहला जनता दरबार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इसी साल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा बक्सर हैदरिया फोरलेन। बिहार के किसी भी कोने में जाना अब आसान होगा, क्योंकि सड़क, पुल, हाईवे बनाने और बनी हुई सड़क की चौड़ीकरण के लिए बिहार सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर बरौनी, मोकामा मुंगेर और बक्सर हैदरिया फोरलेन NH का निर्माण शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इन तीनों सड़कों को फोरलेन बनाने से यातायात सुविधा का विकास होगा, साथ ही राजधानी पटना तक पहुंचने में समय की बचत होगी। आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस पिछले दिनों बक्सर से हैदरिया तक फोरलेन सड़क बनाने की मंजूरी दी थी। इसके बाद अब DPR तैयार हो चुका है। DPR पर केंद्र की मंजूरी मिलते ही इसी साल सड़क बनाने का काम शुरू हो जाएगा। झुलसाने वाली गर्मी से परेशान है दक्षिणी पश्चिमी बिहार के लोग। बिहार के अधिकांश इलाके में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। तापमान आमतौर पर 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा देखने को मिल रहा है। बिहार में गर्मी का आलम यह है कि बक्सर में ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञानियों ने बताया कि मध्य एवं दक्षिण बिहार के लोगों को खासकर भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिमी बिहार में रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज की गई है। उत्तर बिहार में आंधी बारिश से लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम विज्ञानियों की माने तो चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और इसके आसपास के इलाकों में बने होने के कारण 10 जिलों मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर में मेघ गर्जन, बिजली चमकने के साथ हल्के से मध्यम स्तर की बारिश का पूर्वानुमान है। अब बाढ़ के खतरे के बीच भी लोगों को मिलेगा पीने का शुद्ध पानी। संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए बिहार सरकार लगातार विशेष कार्य कर रही है, ताकि बाढ़ के दौरान लोगों को ज्यादा परेशानी ना झेलनी पड़े। इसी कड़ी में यूनिसेफ ने बाढ़ के समय सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए PHED, जीविका और सहयोगी सामाजिक संगठनों को फ्लड रिस्पॉन्स सपोर्ट किट की 61 यूनिट सौंपी है। राजधानी पटना के ज्ञान भवन में इसके लिए PHED और जीविका के सहयोग से यूनिसेफ फ्लड रिस्पॉन्स सपोर्ट किट का प्रदर्शन सह प्रशिक्षण कार्यशाला में दिया गया। आपको बता दें कि फ्लड रिस्पॉन्स सपोर्ट किट बाढ़ के दौरान 700 लीटर बाढ़ के गंदे पानी को साफ कर सकती है। इसमें लोगों को बाढ़ की स्थिति में भी शुद्ध पानी पीने को मिल सकेगा। खैनी से बढ़ रही है दिल की बीमारी। इस बात से कोई अनजान नहीं है कि तंबाकू कई जानलेवा बीमारियों का कारण हो सकता है, जिसमें मूल रूप से कैंसर भी शामिल है। वहीं हाल ही में एक रिसर्च में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS ने बताया कि तंबाकू का उपयोग दिल के लिए भी खतरनाक है। इसमें खैनी खाने वाले हार्ट के मरीजों पर रेट्रोस्पेक्टिव शोध भी हुआ है। इस शोध में दिन में 3 बार से अधिक खैनी खाने वालों को शामिल किया गया है। 1000 मरीजों में 23.5% लोग चबाने वाले तंबाकू का सेवन करते हैं। रिसर्च का हिस्सा रहे डॉक्टर नीरव ने बताया कि खैनी को लोग बनाकर जैसे ही होठ के नीचे रखते हैं, इसमें तुरंत निकोटीन अब्सॉर्ब होकर ब्लड में चला जाता है। ये खून में थक्का जमने की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है, यही ब्लॉकेज का कारण बनता है। मॉनसून के मजे से बिहार वासियों को झेलना पड़ रहा है कोसी का कहर। एक तरफ जहां बिहार में लोग झुलसाती गर्मी से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मॉनसून का आगमन हो, ताकि उमस भरी गर्मी से जल्द राहत मिले और सुहाना मौसम का आनंद ले। लेकिन बिहार का अभिशाप कहीं जाने वाली कोसी नदी को ये बिल्कुल भी रास नहीं आई। और बिहार में मॉनसून आने से पहले ही नेपाल में हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। एक तो गर्मी का कहर, ऊपर से बिहार वासियों को जल स्तर की चिंता सताना शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कोसी सहरसा में शनिवार रात ही लाल निशान को पार कर गई, जबकि बलान का जलस्तर रविवार को झंझारपुर में खतरे के निशान को पार कर गया है। हालांकि अन्य नदियां अभी खतरे के निशान से नीचे ही बह रही हैं। मिनी शिमला अब 5 गर्म स्थलों में हुआ शामिल। बिहार में स्थित सिमुलतला जमुई जिले का एक ऐसा वन्य इलाका है जो अपनी सुंदर संरचना और सुहाना मौसम के कारण सैलानियों को खूब आकर्षित करता है। हर साल यहां अलग अलग प्रदेश से सैलानी गर्मी के मौसम का लुफ्त उठाने आया करते थे। यहां कई सारी कोठियां हैं जो आज भी इस बात की गवाह है कि किस कदर यहां का मौसम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन अब स्थिति बदलने लगी है। हालांकि 2022 में जमुई जिला बिहार के 5 गर्म जिलों में शामिल हो गया। तापमान में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। यहां के वन और जंगल क्षेत्र भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और यही वजह है कि यहां के मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान होगी सुरक्षित और साफ सुथरी। राजधानी पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान की सुरक्षा भी अब और पुख्ता होने वाली है। गांधी मैदान के सभी प्रवेश द्वारों, मुख्य मंच के आसपास और अन्य स्थलों पर कुल 40 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसमें 35 बुलेट कैमरा
और 5 PTZ कैमरा होंगे। इसकी जानकारी पटना के DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह द्वारा गांधी मैदान और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के प्रबंधन, संचालन और मेंटेनेंस को लेकर आयोजित बैठक में दी गई। बैठक में DM ने कार्यपालक पदाधिकारी नूतन राजधानी अंचल को गांधी मैदान पटना के संपूर्ण भूभाग के नियमित रूप से सफाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही इस बैठक में इसमें गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के उत्थान, संरक्षण और अविरल प्रवाह के साथ किए जाने वाले प्रयासों की समीक्षा की गई। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को बताया काला धब्बा। रविवार को समस्तीपुर जिले में एक ही परिवार के 5 लोगों की खुदकुशी की खबर ने लोगों को मरवाहत कर दिया। खबर के मुताबिक कर्ज के बोझ से लदे इस परिवार ने एक साथ खुदकुशी कर ली। अब इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार को काला धब्बा बताया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा कि समस्तीपुर में एक गरीब परिवार के सभी 5 सदस्यों ने गरीबी, भुखमरी, आर्थिक तंगी, महंगाई, बेरोजगारी और बदहाली से त्रस्त होकर सामूहिक खुदकुशी कर ली है। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना अत्यंत दर्दनाक, हृदय विदारक, दुखद और कथित डबल इंजन सरकार के बड़बोलेपन पर करारा तमाचा और काला धब्बा है। राज्य के 5,000 से अधिक लेटर बॉक्स डाले गए कबाड़ में। पिछले 3 सालों में राज्य के शहरों और गांव के मुख्य चौक चौराहों पर लगे 5,000 से अधिक लेटर बॉक्स हटाए गए हैं। यह आंकड़ा डाक विभाग की तरफ से जारी वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया। अब मोबाइल और इंटरनेट के प्रचलन में लोग चिट्ठी लिखना कब का छोड़ चुके हैं। यही वजह है कि लेटर बॉक्स खाली रह जाते हैं। इतना ही नहीं, कई दिन तक लेटर बॉक्स खुलते तक नहीं है। कई जगहों पर लगे खाली बॉक्स में जंग लग रही है, तो कहीं लोग ने इसका इस्तेमाल कूड़ेदान के तौर पर शुरू कर दिया है। अब धीरे धीरे इन्हें भी चौक चौराहों से हटाकर कबाड़ में डाल दिया गया है। अब तो राजधानी पटना में भी गिने चुने लेटर बॉक्स ही दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री ने लगाया जून महीने का पहला जनता दरबार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सोमवार को जून महीने का पहला जनता दरबार लगाया। आज दर्जन भर ऐसे मामले आए हैं जिसमें लोग शिकायत ने निर्णय लिया है। वहीं अंचल के CEO और अन्य अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे। लगातार मिल रही ऐसी शिकायत से CM नीतीश चिंतित दिखे। वहीं पश्चिम चंपारण से आई एक महिला ने CM नीतीश से फरियाद की। बेतिया से आई महिला ने मुख्यमंत्री से कहा कि हमारी बेटी को ससुराल वालों ने शादी के 26 दिनों बाद ही जहर देकर मार डाला, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना 12 लाख रुपए में बिक गया है। लड़के का बाप आज ड्यूटी कर रहा है, हमें न्याय दीजिए। इस पर मुख्यमंत्री ने DGP को फोन लगाकर कहा कि महिला की शिकायत पर तुरंत एक्शन लीजिए। देश भर में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। देश भर में आज यानी सोमवार को COVID-19 के मामलों में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 4518 नए मामले दर्ज किए गए हैं। जारी रिपोर्ट के अनुसार 9 लोगों की जान भी गई है। देश में सक्रिय केस लोड वर्तमान में 25,782 है, जो कि अब तक दर्ज किए गए कुल मामलों का 0.06% है। इस बीच राहत भरी खबर यह है कि देश की रिकवरी दर 98.73% रही है। बिहार भाजपा की सीधी जनता से जुड़ने की कोशिश। बिहार के पहले उपचुनाव और फिर स्थानीय प्राधिकार के विधान परिषद चुनाव में करारी शिकस्त खाने के बाद सत्ता और संगठन में बैठे भाजपा के बड़े ओहदेदारों की नींद उड़ गई है। इसे सबक लेते हुए भाजपा ने सोच लिया है कि अब बिहार की जनता के बीच सक्रिय होना होगा। इसके लिए बिहार भाजपा अब जनता से सीधे संवाद करेगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार भाजपा बिहार की जनता को संजीवनी देने में जुट गई है। इसका श्री गणेश मंगलवार को भागलपुर में क्षेत्रीय रैली से होगा। इसके बाद 3 और क्षेत्रीय रैली 10 को पूर्णिया में और 12 जून को गया और 14 जून को मुजफ्फरपुर में होगी। इसके बाद फिर भाजपा जिलेवार 45 रैलियां करेंगी। गोवंश प्रसाद सिंह की जयंती पर तेजस्वी यादव ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वैशाली के पूर्व सांसद रघुवंश प्रसाद सिंह की आज जयंती है। इस अवसर पर राजद ने उन्हें राष्ट्रीय जनता दल से याद किया है। रघुवंश प्रसाद सिंह की जयंती पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर दिवंगत राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्य, समाजवादी नेता, मनरेगा मैन, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय रघुवंश प्रसाद जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। लुटेरी सरकार, परेशान बिहार के नाम पर जारी रिपोर्ट कार्ड पर जदयू का पलटवार। रविवार को संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर महागठबंधन ने लुटेरी सरकार, परेशान बिहार के नाम से नीतीश सरकार के कामकाज को लेकर रिपोर्ट कार्ड जारी किया था। जारी आरोप पत्र में दावा किया गया है कि NDA सरकार के शासनकाल में स्वास्थ्य व्यवस्था गर्त में चली गई है। वहीं कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जबकि बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई का महाप्रकोप जारी है, शिक्षा का भी बंटाधार हो गया है। अब इस पर जदयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने विपक्ष पर पलटवार किया है। उन्होंने रिपोर्ट कार्ड को गुमराह करने वाला और झूठ का पुलिंदा बताया। उमेश कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जब से बिहार के शासन की बागडोर संभाली है, तब से प्रदेश में न्याय के साथ विकास और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है। श्रीसंत को थप्पड़ मारने की घटना पर हरभजन सिंह का बयान। IPL के पहले ही सीजन में एक इतना बड़ा विवाद हुआ था जिसके बारे में आज भी बात होती है। मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हरभजन सिंह ने किंग्स 11 पंजाब के तेज गेंदबाज एस श्रीसंत को मैदान पर ही थप्पड़ जड़ दिया था। इसके बाद श्रीसंत को मैदान में रोते हुए देखा गया और ये मामला काफी ज्यादा तुल पकड़ता गया। इस घटना को याद करते हुए अब हरभजन ने कहा कि उन्होंने जो किया था वो बिल्कुल गलत था और इसकी जरूरत नहीं थी। हरभजन ने कहा, जो हुआ वो गलत था, मैंने गलती की थी, मेरी वजह से मेरे साथी खिलाड़ियों को बेइज्जत होना पड़ा।
किया था। यदि मुझे एक गलती सुधारने का मौका मिले तो ये श्रीचंद को मैदान पर ट्रीट करने का तरीका होगा, ये नहीं होना चाहिए था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, नुनु कुमार, रामप्रसाद सैनी, शंकर मुखिया, राजकुमार प्रसाद, कविता कुमारी, मिथिलेश कुमार, उमेश ऋषिदेव, चंदन कुमार, कुलदीप कुमार, नवल मंडल, सिद्धार्थ कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपका भी क्षेत्र मानसून महीने में बाढ़ से प्रभावित होता है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।